नई अध्यापिका ऋतु आज फिर देरी से आई थी। हस्ताक्षर के लिए मेरे कमरे में घुसते ही वो सफाई देना शुरू हो गई थी। मैम, क्या करूं? अकेली हूं, घर बाहर सब। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया था। आप नई हैं, इसलिए शायद अभी इस स्कूल के नियम कायदे नहीं जानती। घर परिवार की बातें करने की यहाँ बिल्कुल मनाही है। मेरे सख्त रवैये से वो एकदम सकपका गई थी। जी, मैं यही स्कूल के आसपास कमरा ढूंढ रही हूँ ताकि समय पर पहुँच सकूँ। वो जल्दी जल्दी हस्ताक्षर कर जाने लगी तो मैंने कुछ सोच कर उसे फिर रोक दिया। छुट्टी के बाद मिलकर जाना। वो स्वीकृति में सिर हिलाकर चली गई तो मैं आगामी रूपरेखा बनाने लगी। मेरे 1 BHK फ्लैट के लिए ये उपयुक्त किराएदार रहेगी। स्कूल के पास भी है, खाली फर्निश्ड फ्लैट की अच्छी देखभाल भी हो जाएगी। मुझे तो यहाँ परिसर में सुसज्जित प्राचार्य आवास मिला ही हुआ है। ऋतु पर अपनी शक्ति की बात याद कर थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, पर क्या करूं? जिंदगी में दो दो बार धोखा खा लेने के बाद घर परिवार आदि से विश्वास उठ सा गया है। पहली बार पति बेवफा निकला तो दूसरी बार किस्मत, जिसने एक दुर्घटना में पति को पागल खाने पहुंचा दिया। जीवन के इस पड़ाव पर अब वैवाहिक जीवन की साध तो नहीं रही, पर मातृत्व सुख के लिए दिल कई बार मचल उठता है। कोई मेरे घाव ना कुरेद डाले, इसलिए मैंने स्टाफ को काम और घर परिवार को अलग अलग रखने की सख्त हिदायत दे रखी थी। छुट्टी के बाद ऋतु डरते डरते मेरे पास आई तो मैंने उसे अपने इरादे से अवगत करा दिया। वो बच्चों की तरह किलक उठी। मैम, आपने तो मेरी समस्या चुटकियों में हल कर डाली। लोग ऐसे ही आपको हिटलर और जाने क्या क्या पुकारते हैं। वो अपनी ही धुन में बोल तो गई, पर फिर तुरंत जीभ काट ली। उसकी बचकानी हरकत पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जानती हूँ, खैर ये चाबी ले जाओ और मकान देखाओ। जैसी कि मुझे उम्मीद थी, ऋतु को मकान पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। उसने झटपट शिफ्ट भी कर लिया। अपने स्वभाव के अनुरूप अब भी मैं उससे काम की बात ही करती थी। उसके शिफ्ट होने के बाद तो मैंने फ्लैट की तरफ झांका भी नहीं। ऋतु बंधा बंधाया किराया मेरे अकाउंट में जमा करा देती थी। इधर कुछ दिनों से वो आकस्मिक अवकाश ज्यादा लेने लगी थी। कभी तबीयत खराब होने के नाम पर आधी छुट्टी भी ले लेती थी। फिर मैंने उसके पेट में हल्का उभार महसूस किया, जिसे वो बड़ी सफाई से दुपट्टे या शॉल में छुपा लेती थी। तो क्या वो विवाहित है? पर उसने तो कहा था अकेली हूँ। अच्छा, यहाँ अकेली रहती होगी, पति की नौकरी और कहीं होगी। उत्सुकता के बावजूद अपने ही वसूलों के कारण मैं उससे या किसी और से इस बारे में पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा शक सही था। कुछ महीनों बाद ही वो लंबी छुट्टी पर चली गई और लौटी तो उभार गायब था। शायद खुद ही माँ बनने की मिठाई खिला दे, सोचकर मैं शांत बनी रही। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो एकदम सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। साल बीतते ना बीतते मुझे फिर उसके गर्भवती होने का शक हुआ और इस बार भी कुछ महीनों बाद वह लंबी छुट्टी पर चली गई। उसे छुट्टियों की परवाह नहीं थी। सवैतनिक अवकाश खत्म हो जाने पर वो अवैतनिक अवकाश लेने में भी संकोच नहीं करती थी। इस बार भी वो भरा भरा शरीर लेकर लौटी, मानो प्रसूति के बाद खूब सेहत बनाकर लौटी हो। चुपके चुपके शायद उसने अपने सहकर्मियों को पार्टी भी दी हो, पर मैं जानती थी कि मेरे स्वभाव को भली भांति जानने वाले मेरे सामने ऐसी कोई बात भी नहीं करेंगे। पार्टी में बुलाना तो दूर की बात थी। दिवाली पर मैंने अपने फ्लैट का रंग रोगन करवाया तो भुगतान के पूर्व एक बार जाकर देख आने की जरूरत महसूस हुई। इस बहाने शायद ऋतु के बच्चों आदि से मिलने की ख्वाहिश भी मन में थी, पर यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। घर में बच्चे तो क्या, उनका कोई चिन्ह तक नहीं था। न कपड़े, न खिलौने। जरूर अपनी नानी दादी के पास रहते होंगे, पर कोई तस्वीर तो हो। ठेकेदार के संग खड़े खड़े ही मैं पूरे घर का निरीक्षण कर आई। ऋतु ने औपचारिकतावश चाय के लिए अवश्य पूछा, पर मुझे रोककर बिठाने बतियाने में उसकी कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। अपने कठोर व्यवहार के कारण मैंने खुद ही तो अपने को सबसे काट रखा था, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा रखने का हक भी मुझे नहीं था। आश्चर्य तो तब हुआ जब ऋतु ने आकर मुझे बताया कि महीने भर बाद वो मकान खाली करने वाली है। आप चाहें तो दूसरा किराएदार देख लें, नहीं तो मैं लाऊं। हमारी स्टाफ के ही एक दो सदस्य तैयार हैं। हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। पर तुम कहाँ जा रही हो? ऋतु ने झिझकते हुए अपना शादी का कार्ड पकड़ा दिया तो मैं आश्चर्यचकित हो गई।
मैं अब अपने होने वाले पति के शहर में ही नौकरी खोज लूंगी। आप शादी में जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। रितु तो टेबल पर कार्ड रखकर चली गई, लेकिन मैं देर तक प्रश्नों के भंवर जाल में ही उलझी रही। क्या रितु दूसरी शादी कर रही है? बच्चे किसके पास रहेंगे? पहले पति का क्या हुआ? अपने निरंकुश एकाकी स्वभाव पर आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी से आगे बढ़कर पूछ भी नहीं सकती थी। शादी तो दूसरे शहर में थी जिससे मैं सम्मिलित नहीं हुई, पर अपने ही शहर में उसने सहकर्मियों और दोस्तों को जो छोटी सी पार्टी दी उसमें मैं शामिल हुई। तेजस्वी और गरिमामय व्यक्तित्व वाले अपने पति के पास नववधू के श्रृंगार में खड़ी रितु बहुत प्यारी लग रही थी। उनके घर वालों के अतिशय उत्साह को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह उनकी या उनमें से किसी की भी दूसरी शादी है। सब तरफ नजरें दौड़ाने के बाद भी मुझे दोनों छोटे बच्चों का भी कोई चिन्ह नजर नहीं आया। रितु ने अपनी माँ से मिलवाया, पापा ने तो नया नया बिजनेस शुरू किया है इसलिए आ नहीं पाए, आप माँ से मिलिए। माँ, ये मेरी प्रिंसिपल हैं जिनके घर में हम रह रहे हैं और जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। उसकी माँ गौर से मुझे देख रही थी। तुम प्रज्ञा हो, निर्मला की छोटी बहन? मैं अचकचा गई थी। उन्हें गौर से देखने पर खुशी के मारे मेरी चीख निकल गई। विनीता दीदी? उन्होंने आगे बढ़कर मुझे बाहों में भर लिया। वे मेरी दीदी की सबसे अच्छी सहेली थी। वे निर्मला दीदी का हाल चाल पूछने लगे। इससे पहले कि वे मेरे बारे में जानकारी लें, मैंने उन्हें अगले दिन लंच के लिए आमंत्रित कर लिया। साथ में नवविवाहित वर वधु को तो आमंत्रित करना ही था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी भी थी तो दीदी से खूब गपशप का मूड था। अब विनीता दीदी से तो रितु के वैवाहिक जीवन की असलियत जानकर ही रहूंगी। भले ही इसके लिए मुझे उनके सामने अपने अतीत के पन्ने क्यों न खोलने पड़े, मैंने सोच लिया था। अगले दिन लंच चल ही रहा था कि रितु के मोबाइल पर कॉल आ गया। सामान पैक करने वाले घर पर उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों जल्दी जल्दी खाना खाकर निकल गए। माँ, आप बाद में आना, मैम के साथ आराम से पुरानी यादें ताज़ा कर लो। दोनों निकल गए तो मैंने इत्मीनान की सांस ली। चलो, अब तो और खुलकर पूछताछ की जा सकती है। कॉफ़ी का कप लेकर हम दोनों बरामदे में आ बैठी। रितु काफ़ी खुश नजर आ रही है। विवेक भी काफ़ी सुलझे विचारों वाला युवक लगता है, मैंने बातचीत शुरू की। अरे, बहुत समझदार है, वरना मैंने तो रितु की शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हाँ, दूसरी शादी मुश्किल तो है ही, वो भी जब पहले वाले से दो दो बच्चे हों, मैंने सहानुभूति दर्शाई। दूसरी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, रितु की तो पहली शादी हो रही है। और बच्चे? वे उसके नहीं थे, रितु उनकी सरोगेट मदर मात्र थी। मुझे चक्कर आने लगे थे, किसी तरह मैंने खुद को संभाला। पर रितु को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अब क्या बताऊँ, रितु हमारी इकलौती संतान है। हम लोग उसकी शादी की सोच ही रहे थे कि उसके पापा को बिजनेस में जबरदस्त घाटा हो गया। हम लोग एक तरह से सड़क पर ही आ गए थे। रितु ने तुरंत यह नौकरी ज्वाइन कर ली और हमें धीरज बंधाने लगी कि पापा का बिजनेस शुरू करने के लिए वो जल्दी ही पैसों का इंतजाम करेगी। इस बीच उसने किसी पत्रिका में सरोगेसी का विज्ञापन देख लिया और उन संपन्न निसंतान दंपत्ति के लिए बच्चा पैदा करने का फैसला कर लिया। तो आपको पहले से सब कुछ मालूम था? नहीं, मालूम होता तो हम रोक न लेते। वो तो बच्चा पैदा कर सौंप देने के बाद हासिल मोटी रकम जब उसने हमें भेजी तो हम चौंके, पर उसने सफाई दी कि उसको बैंक से लोन मिल गया है और उसकी दयालु प्रिंसिपल मैम ने भी उसकी काफ़ी मदद की है। वो तो उन्हीं के घर में रहती भी है। नई नौकरी की बहाने वो काफ़ी समय से हमसे मिलने भी नहीं आई थी तो हमने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। पर दूसरी बार में मुझे शक हो गया था। कड़ी पूछताछ करने पर उसने सच्चाई उगल दी थी। हम दोनों ही अपना आपा खो बैठे थे। उसे कुलच्छनी, असंस्कारी, जाने क्या क्या कह डाला था। विनीता दीदी की आंखें उन पलों को याद करके भर आई थी। मैंने हौले से उनका हाथ सहला दिया तो उनमें आगे बयां करने का हौसला आ गया। रितु सारे आक्षेप सुनती रही, फिर धीरे से पूछा, आप संस्कारी किसे मानती हैं? जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार व्यवहार करे वही ना? और हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है? क्या वही जो आप रोज रामायण और गीता में पढ़ती हैं? मैं प्रश्नवाचक निगाहों से उसे ताक रही थी कि उसने अगला प्रश्न उछाल दिया। आपकी नज़रों में कुंती, जिसके अलग अलग पुरुषों से कर्ण और पांडव सहित 6 पुत्र थे, वो संस्कारी थी? आपकी नज़रों में द्रौपदी, जिसके 5 पति थे, वो संस्कारी थी? तो फिर मैं असंस्कारी क्यों?
कुंती ने अलग अलग इष्ट देव की आराधना करके अलग अलग पराक्रम वाले पुत्र पैदा किए। उसके पीछे वासना नहीं, एक अच्छा अध्येय छुपा था, मैंने टोका था। तो आपको क्या लगता है, मैंने ये सब वासना के वशीभूत होकर किया है? मैंने अपने डिंब में 9 माह तक एक भ्रूण को क्या वासना के कारण रखा? संतान के लिए तड़पते एक निसंतान दंपत्ति को माता पिता बनने का गौरव दिलाना क्या अच्छा ध्येय नहीं था? उनसे प्राप्त रकम से पापा का बिजनेस शुरू करवाना क्या अच्छा ध्येय नहीं था? माँ कुंती के अनजाने में दिए गए आदेश से द्रौपदी 5 पुरुषों में बट गई, लेकिन मैंने द्रौपदी के लिए कहीं असंस्कारी या अपवित्र शब्द नहीं सुना। वे परिस्थितियाँ अलग थी बेटी, आज वो सब ना संभव है ना व्यवहारिक। उसके पापा ने भी उसे समझाने का प्रयास किया था। मैं जानती हूँ पापा, इतिहास ना तो अक्षरशा दोहराने के लिए है और ना ही पूर्णता बिसराने के लिए। इतिहास तो अक्षम्भ पति की पत्नी को नियोग द्वारा गर्भवती होने की इजाज़त भी देता है, पर आज समाज वैज्ञानिक रूप से ही इतना सक्षम हो गया है कि उसे इतनी वैचारिक उदारता की आवश्यकता ही नहीं रही। सरोगेसी, स्पर्म डोनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, एग फ्रीजिंग जैसे ढेरों विकल्प मौजूद हैं। बदलते समाज में बदलते प्रतिमानों को अपनाना व्यवहारिक बनने का सबूत है, ना कि असंस्कारी होने का। तो फिर हमसे ये सब छुपाया क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर कमज़ोर बना देंगे और ऐसा करने से रोक देंगे। आपकी अवहेलना करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन बेटी, अब तुझसे शादी कौन करेगा? हमें इस बात को दबा कर रखना होगा, मैंने कातर स्वर में कहा था। मैं कुंती वाली गलती नहीं दोहराऊंगी माँ, जिसने बात को दबाए रखकर अनजाने में ही भाई को भाइयों के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। मुझसे शादी करने वाले शख्स को मुझे मेरी सच्चाई के साथ स्वीकारना होगा, ऋतु ने दृढ़ता से कहा था। लेकिन बेटी, ऐसा शख्स मिलना बहुत मुश्किल है, मैंने समझाया था, परंतु ऋतु अड़ी रही। तो क्या विवेक ऋतु की सच्चाई जानता है? मैंने अपनी उत्सुक निगाहें विनीता दीदी पर टिका दी थी। ना केवल जानता है बल्कि उस सच्चाई का सम्मान भी करता है। वो खुद स्पर्म डोनेट करके कुछ निसंतान दंपतियों को संतान सुख दिलवा चुका है। वाह, मैंने मन ही मन उस प्रगतिशील खुली सोच वाले युगल को दिल से सलाम किया, जिसने मुझे मातृत्व सुख उठाने की नई राह सुझा दी थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।